देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दोस्तों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे राजधानी में जुर्म की वारदातें भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला पश्चिम विहार क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें रातों रात गैर कानूनी तरीके से सीनियर सिटीजन पर हाथापाई की गई। पीड़ितों का कहना है कि वे कई वर्षों से पश्चिम विहार फ्लैट नंबर 74 पॉकेट ए में रह रहे हैं। 2 दिसंबर की रात को ललित पटेल और केवल ढल ने उनके घर के सामने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और लीगल सोसाइटी लैंड और जो है गवर्नमेंट लैंड है ये। अच्छा। इसको मिली हुई है जो सोसाइटी को, 5 मंजिला ऊपर जो है ये बनाना चाह रहे हैं, जिससे मेरी प्राइवेसी, धूप और ये क्या नाम है, अंधेरा गुप हो जाएगा, जिससे हाँ। मेरे को आने जाने में भी दिक्कत है, मेरी पार्किंग भी मेरे को नहीं मिलेगी। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस को की? दिल्ली पुलिस को मैंने इसके बारे में आके पुलिस को दिया है, फ़ोन कराया तत 15-20 बार, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2-2.5 घंटे के 3 घंटे के बाद आए और कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया, सिर्फ ये कह कर के ठीक है, ये तो लैंड जो है सोसाइटी की है, ये सोसाइटी वाले अगर इनको नो ऑब्जेक्शन दे देंगे तो मैंने कहा जी मैं नहीं दे, ये रजिस्टर मेरे को जो है क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटर ने लिख के दे दिया हुआ है कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, मैंने उनको रिपोर्ट करी थी, तो वो इनको SHO को भी उन्होंने रिपोर्ट कर दी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई नहीं है। वो हर 1-2 दिन के बाद फिर उसको ही दोबारा खड्डे खोदे जाते हैं, रिपोर्ट करी जाती है, पुलिस वाले हमें ही उल्टा धमकाते हैं कि आपके ऊपर हम केस जो है 100 कलंदरा नाम से बताया था मेरे को, अब उसमें क्या क्लॉज आती है क्या नहीं आती मुझे उसने नहीं मालूम। कौन लोग हैं ये प्राइवेट? एक तो वैसे ही ये इनके जो है ना, ये एक तो हाँ। एक तो ये है जी ललित पाल और मकान नंबर 70 और मिस्टर केवल ढल मकान नंबर 72। अच्छा, हाँ। तो इसको आपने पुलिस में शिकायत की, वहाँ से आपको कोई सहयोग? और एकदम से मैं वहाँ पर गई और मेरे ऊपर ही बल्कि लड़ने को पड़ गए कि तो आप यहाँ पर आए कैसे। मैंने कहा आप हमारी इस पे घर के आगे ये कर रहे हो, तो इसलिए आप ये मतलब कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप ये मत करो। तो आप यहाँ पे आप पति पत्नी दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हम दोनों अकेले ही हैं और दोनों हम सीनियर सिटीजन हैं, दोनों मेरी बेटियाँ। अच्छा। साथ ही पीड़ितों का कहना है कि उनके मना करने के बाद भी वहाँ खुदाई और कंस्ट्रक्शन चलती रही। जब उन लोगों ने मना किया तो परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी गई। BN अरोड़ा और उनके भाई ने मौके पर पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन वहाँ से भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। 5 से 6 बदमाशों ने सीनियर सिटीजन्स को डराना और धमकी, वो इसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके 5 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं और दूसरा क्या, जिससे कि मेरे भाई साहब के घर के आगे की लाइट, हवा, पानी सब कुछ बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। और इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हमने पुलिस को, मैंने कम से कम 10 से 15 बार ही कॉल किए PCR पे, वो कहते हैं जी हम इलीगल कंस्ट्रक्शन के नहीं ले आएंगे। हमने कहा जी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पर 15-20 आदमी ललित पाल गुंडे बदमाश लेके आया हुआ है, वो हमारे दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे को धक्का दे के, जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो वो धक्का दे के हमारे को कर रहे हैं। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र 65 साल है, उसको रोकने की कोशिश के बावजूद वो बिल्कुल किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं, और इन्होंने पुलिस वाले के सामने ही मेरा बेटा अचानक आया तो उसको लात मार गई, जिसका वीडियोग्राफी हमारे पास है, हर चीज हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मेरे भाई साहब तो इतना मॉरली मेंटली डिप्रेशन हो गए कि वो कहने लगी, ये रात को उठ के यही कहते हैं, देखना वो बाहर आ गए, वो मेरे को जान से मार देंगे, वो क्योंकि सारे उनको धमकी दे के गए कि अगर ऐसे ही चलोगे तो तुम्हारा वो तुमने बहुत दुनिया देख ली है, अब आखिरी नज़ारा हम आपको भगवान के पास पहुँचा के दिखाएंगे। लेकिन ये किसी प्रकार से मांग रही है, फिर बार बार रात को, परसों रात को जो 15-20 लेडीज़ को लेके आ गए
और रात को इनको भाई साहब को मेरे को टेलीफोन किया, नीचे से उठ के आया, हमारी भाभी जी ने बड़ी कोशिश की लेकिन ये पुलिस के बावजूद करने के बाद इन्होंने हमारे दरवाजे को पूरी तरीके से तोड़ने की, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लेडीज के ने जोर जोर से हमारे दरवाजों को पीटना चालू कर दिया और हमारे को अंदर धक्का देने की कोशिश की ताकि हम कोई बाहर ना निकल कर उनके किसी काम में रुकावट ना पैदा कर सके। फिर काफ़ी देर बात करने के बाद जब पुलिस आई, उसके साथ लेडी पुलिस थी, तो उसके बाद हमें थाने ले गए। वो कहते हैं जी अगर तो आप ज़्यादा करोगे तो शांति भंग के अंदर हम तो कलंदरा काट देंगे, हैं हमारा तो कुछ जाता नहीं है, ये आप क्यों ऑब्जेक्शन करते हो जबकि वो सोसाइटी लैंड है। हमने उनको कहा जब इस सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर ने ये लिख के दे दिया है कि भाई किसी प्रकार की कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, अगर आपके पास कोई परमिशन है कुछ है तो आप पहले मेरे को दिखाओ, लेकिन क्योंकि ये सरकारी लैंड है, सोसाइटी की लैंड है, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है और ना ही इसके ऊपर कोई इस प्रकार अनऑथराइज कब्जा कर सकता है, उसके बावजूद इन लोगों ने धमकी देकर मारपीट कर भारी लोगों को बुलाकर हमें हमारे भाई साहब को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रखा है। वो मेंटली है, वो कहते हैं अगर इसी प्रकार ये मेरे साथ करते रहे तो वो दून दूर नहीं, जब मैं इस दुनिया में ना ही रह गए मैं तो सुसाइड कर लूँगा। अगर ना ही पुलिस हमारी कोई सुनवाई कर रही है, ना ही हमारे को सपोर्ट कर रही है, जबकि हम सीनियर 74 साल का हो गया हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी मिसिस सीनियर सिटीजन, उसके बावजूद जो है ये पुलिस वाले हमारे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दे रहे। थाने में जाओ तो SHO साहब मिलने से मना कर देते हैं, हैं और कहते हैं जी अगर इन्होंने हमारी MCD में कंप्लेंट की तो वहाँ भी एड्रेस गलत दे दिया, वहाँ परेशान किया। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई साहब की जान माल की रक्षा के लिए हमारा पुलिस से भी, प्रशासन से भी, सभी नेताओं से मेरा ये अनुरोध है कि कृपा करके हमारी भाई साहब की जान माल की सुरक्षा की जाए और इस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को किसी भी हालत में करने के लिए उनकी किसी प्रकार की। 5-6 बदमाशों ने सीनियर सिटीजन्स को डराना और धमकाना भी शुरू कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास पूरे वारदात की वीडियो क्लिप भी मौजूद है जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे गुंडों ने सरेआम उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है और सीनियर सिटीजन्स को धमकाया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मौके पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है जिससे सीनियर सिटीजन्स की जान को खतरा ना। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल जनमत की पुकार से जुड़े रहें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस डेली मिल सके।